नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 अप्रैल, दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस केंद्रीय मंत्री ने आनंद मोहन को बताया बलि का बकरा। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। चुनाव से पहले सियासी अंतर्कलह से घिरी समाजवादी पार्टी। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले ईवीएम की ये है खासियत। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। इस केंद्रीय मंत्री ने आनंद मोहन को बताया बलि का बकरा। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई की चर्चा केवल बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी है। कोई राजनीतिक पार्टी बिहार सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रही है तो कोई इसके विरुद्ध में है। इसी कड़ी में अब मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना पहुंचे। यहां आते ही मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आनंद मोहन को बलि का बकरा तक कह दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई पर किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आनंद मोहन की आड़ में जो नीतीश सरकार ने काम किया है उसे समाज कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी के चुनावी मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। बीजेपी के चुनावी मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष के कब्र खोदने वाली टिप्पणी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अजीब और गैर चुनावी मुद्दा बताया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को विपक्षी नेता उनकी कब्र खोदना चाहते हैं वाले बयान को सुना है। इस बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा अजीब मुद्दे उठाती है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और लोगों की भलाई जैसे वास्तविक मुद्दों पर बात करने से दूर रहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से इस बात को सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि यह चुनाव मोदी के बजाय मुद्दों पर केंद्रित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी नेता के बारे में नहीं है, बल्कि आप लोगों के बारे में है, आपके दैनिक जीवन के बारे में है। विपक्षी एकजुटता को लेकर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अब इस पर चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस पार्टी का जीरो सांसद है वह देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे। जब वे पूरे देश के दौरे पर निकले तो नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनके सांसद घटकर 3 हो गए और विधानसभा में 23 विधायक जीते, फिर वे सत्ता से बाहर चले गए। इसलिए नीतीश कुमार को भी बिहार की चिंता करनी चाहिए। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन पर घोषित हुआ 2 दिनों का राजकीय शोक। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश के सभी नेताओं ने पंजाब के पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बिहार में भी 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा उनके निधन पर शोक जताते हुए की गई है। इसके लिए बिहार सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके मुताबिक दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश सिंह बादल के सम्मान में 26 और 27 अप्रैल को राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल जी का निधन दुखद। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वे राजनीति में अपनी शुचिता के लिए जाने जाते थे। उनसे मेरा गहरा लगाव था। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी दिए जाने वाले वादे पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। दरअसल उन्होंने कहा कि यह महज एक चुनावी वादा था और तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर द्वारा कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 10 लाख नौकरियां देने की बात की थी। सब जानते हैं कि वह 10 लाख नौकरियां नहीं दे सकते। साथ ही उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि यदि तेजस्वी लालू यादव के बेटे नहीं होते तो उन्हें देश में क्या नौकरी मिलती। चुनाव से पहले सियासी अंतर्कलह से घिरी समाजवादी पार्टी। इन दिनों समाजवादी पार्टी यानी सपा उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के बूथ आगामी लोकसभा चुनाव में अपने आधार को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन दूसरे दल के साथ जाने वाले नेता तो कई जगहों पर सपा विधायक टिकट में अनदेखी का आरोप लगाने वाले नेताओं के कारण सपा के सामने मुसीबतें खड़ी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को इसी तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बता दें कि इस बार मेयर का उम्मीदवार शाहजहांपुर नगर निगम से पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की बहू
अर्चना वर्मा को अखिलेश यादव द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब वे अपनी किस्मत बीजेपी के टिकट पर आजमा रही हैं, जिसके बाद मारा राठौर को पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बना दिया गया। ठीक यही मामला बरेली नगर निगम में भी देखने को मिला, जहां संजीव सक्सेना ने अपने पैर पीछे खींच लिए, जिन वजहों से डॉक्टर आईएस तोमर को चुनाव लड़वाने का निर्णय पार्टी द्वारा लिया गया है। ऐसे ही कई मामले सपा को अपने पार्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिन वजहों से अंतर्कलह सियासी का सामना करना पड़ रहा। महागठबंधन को लेकर नित्यानंद राय ने किया दावा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार के महागठबंधन के मजबूती प्रदान करने की कोशिशों पर कटाक्ष किया है। दरअसल उन्होंने दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन को बिहार में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप किसी के घर जाएंगे तो लोग वापस तो नहीं भेज देंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन जहां तक सवाल लोकसभा चुनाव में सीटों का है तो यह सब जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन को एक भी सीटें नहीं मिलेंगी। लोकसभा चुनाव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 40 में से 40 सीटें नरेंद्र मोदी के झोली में जाने वाली है। केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर बीजेपी ने किया दावा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा करते हुए कहा गया है कि शहर के सिविल लाइन इलाके स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही बीजेपी द्वारा नैतिक आधार की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भी की। बता दें कि अब तक इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि मुख्यमंत्री आवास 75 से 80 साल पहले वर्ष 1942 में बनाया गया था। फिर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने ऑडिट के बाद इसके जीर्णोद्धार की सिफारिश की थी। आनंद मोहन के रिहाई पर राजद ने भाजपा को ऐसे दिया जवाब। आनंद मोहन के रिहाई पर तंज कसने वाले भाजपा जनता पार्टी पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, उन्होंने अपनी सजा पूरी की है और उन्हें कानूनी रूप से रिहा किया जा रहा है, इसमें कहां कुछ गलत है। वहीं बिल्किस बानो मामले की बात करते हुए राजद पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाने वाली भाजपा गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म करने और मासूम बच्ची के साथ परिवार के 11 सदस्यों की मौत के घाट उतारने वाले अपराधियों को महिमा मंडन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 11 अभियुक्तों को गुजरात सरकार ने माफी दी थी तो भाजपा के नेताओं ने जेल गेट पर माला पहनाकर इनका स्वागत किया। इनकी रिहाई के लिए गुजरात सरकार ने 2014 में जेल मैनुअल में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले ईवीएम की यह है खासियत। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अभी से ही तैयारियों में लग चुकी है। यह खबर सामने आई है कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग द्वारा बड़ी उपलब्धता हासिल की गई है। दरअसल नए मॉडल के ईवीएम का प्रयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में किया जाएगा। नए ईवीएम का आवंटन चुनाव आयोग द्वारा बिहार के सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। अब एक कंट्रोल यूनिट से 384 प्रत्याशियों का एक साथ एक लोकसभा क्षेत्र में नए ईवीएम की मदद से मतदान करवाया जा सकता है। वहीं 24 बैलेट यूनिट को इसके कंट्रोल यूनिट में जोड़ा जा सकेगा। बता दें कि इससे पहले पुराने ईवीएम में से मात्र 64 प्रत्याशियों का ही एक लोकसभा क्षेत्र से एक साथ मतदान करवाया जा सकता था। टाडा बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर माले विधायक 28 अप्रैल को देंगे धरना। बिहार सरकार के फैसले, जो बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन के रिहाई को लेकर किए गए हैं, इस फैसले को लेकर सियासत का पारा काफी चढ़ा हुआ है। बता दें कि बिहार सरकार के इस फैसले को भाकपा माले के द्वारा भेदभावपूर्ण बताया गया है। बता दें कि भाकपा माले के मीडिया प्रभारी कुमार परवेज के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि नीतीश सरकार के ऊपर माले के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वैसे बंदी जिन्होंने 14 वर्ष से अधिक की सजा काट ली है, लेकिन उनकी रिहाई के मामले में सरकार के द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि टाडा के तहत गलत तरीके से फंसाए गए भदासी कांड के शेष बचे बंदियों को भी बिना देरी किए रिहा कर दिया जाए, क्योंकि शेष बचे 6 टाडा बंधित दलित, अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय से आते हैं और साथ ही वे गंभीर बीमारी से भी पीड़ित है। सरकार के इस रवैये को देखते हुए आगामी 28 अप्रैल को भाकपा माले के सभी विधायक पटना में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष सांकेतिक धरना देंगे और धरना के माध्यम से शेष बचे 6 टाडा बंदियों को रिहाई की मांग उठाएंगे। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मतदान में 2 सप्ताह से भी कम का समय कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बचा है। चुनाव प्रचार अभियान के साथ साथ विरोधी बयानबाजी में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता लगे हुए हैं। अब इसी कड़ी में कर्नाटक के धारवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के नेता राजनाथ सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि आज भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है, बड़े नेता जेल जा रहे हैं। विपक्ष दावा करते हैं कि यह जांच जानबूझकर की गई है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सभी
भ्रष्ट नेताओं की जांच करेगी, चाहे वे कितने भी प्रमुख क्यों न हो। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की। 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन कर आपातकाल लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया। भाजपा कभी ऐसा पाप नहीं कर सकती, चाहे सत्ता मिले या न मिले। सत्यपाल मलिक ने पहलवानों के धरने को लेकर कही ये बात। कुश्ती संघ के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपना समर्थन दिया है। दरअसल नई दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में बुधवार को सत्यपाल मलिक भी शामिल हुए। सत्यपाल मलिक ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि पहलवानों का समर्थन बढ़ाने की जरूरत है और मैं इसे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमिका निभाऊंगा। आगे उन्होंने यह कहा कि लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, यह हमारे देश की सभी महिलाओं की लड़ाई है। वहीं किसान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान संघों ने कुछ महीने विरोध प्रदर्शन किया तो वे पीएम से माफी मांगने में सफल रहे थे, पहलवान भी इसी तरह से सफल रहेंगे। मायावती की आपत्ति का आनंद मोहन ने ऐसे दिया जवाब। हर लोगों के बीच बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन के जेल से रिहाई की चर्चा देखी जा रही है। अब इतने दिनों के बीच में पहली बार अपने रिहाई को लेकर आनंद मोहन ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कहने के लिए लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। इस पूरे हत्याकांड में लवली आनंद और मृतक डीएम के परिवार ने सबसे अधिक दुख झेला है। बता दें कि लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी है। वहीं बेटे की सगाई को लेकर 15 दिनों के पैरोल पर आए आनंद मोहन ने कहा है कि मांगलिक कार्य के लिए आया हूं, इसके बाद जेल जाऊंगा, फिर रिहाई का आदेश आने के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। साथ ही आनंद मोहन के रिहाई को लेकर मायावती ने जिस प्रकार आपत्ति जताई थी, उस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि मायावती कौन है वो नहीं जानते। सत्यनारायण की पूजा में कलावती का नाम सुना था। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि देश में एक मजबूत सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। राजनीतिक सफर की बात करते हुए उन्होंने बताया कि जेल से लौटने के बाद वो फिर अपने दुख के दिनों के साथियों के साथ बैठकर फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। कर्नाटक चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर जगदीश सट्टार ने कही ये बात। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सट्टार को टिकट नहीं मिलने पर वे कांग्रेस के साथ शामिल हो गए थे। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश सट्टार अपने पुराने पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दरअसल उन्होंने अमित शाह के बयान के बाद पूछा है कि मैं सिर्फ कारण जानना चाहता हूं कि भाजपा ने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया। अपनी सेवा से पार्टी को मजबूत बनाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर कर्नाटक में मेरे और अन्य सभी नेताओं के प्रयासों के कारण मजबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भी कारणों को लेकर कुछ नहीं बोला। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अंशु प्रिया, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, त्रिलोक कुमार, गोनर शर्मा, सुशील कुमार, अजीत पोरस, अनवर करीम खान, धीरेन्द्र कुमार, बाबूलाल मरांडी। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यौन शोषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को लेकर आपकी क्या राय है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।